have you been? बिल्कुल एस्पायरिंग शी तो मेरे लिए इंस्पिरेशन है. जैसे हम एज वुमेन आई थिंक वी ऑलवेज वांट के हम इंस्पिरेशनल रहें. हम यू नो हम माएँ हैं, हम बिजनेस वुमेन हैं. आज वुमेन आई थिंक हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड एंड देयर इज नथिंग दे डोंट डू फ्रॉम लैंडिंग ऑन द मून टू एवरीथिंग. आई एम वेटिंग फॉर द न्यू मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर टू बी अ वुमन. एंड यस एंड इंस्पिरेशनल शी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. वो लोग वुमेन के हेल्थ के बारे में, वुमेन की फिटनेस के बारे में, वुमेन की अचीवमेंट्स को सराहते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं. तो अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा अवार्ड्स आर रूल्ड बाय मेल एंड यू नो मोस्टली. सो नाउ इवन इन द मूवीज इन बॉलीवुड एवरीवेयर देयर आर वुमेन हु आर सिनेमेटोग्राफर्स, हु आर डायरेक्टर्स. And in all fields, they are just like taking over, and it's brilliant. What is your fitness mantra? For me, honestly, I think I'm very proud and very happy that I'm 40 plus and I'm getting the fitness icon of the year. And mera actually mantra bahut simple hai. Healthy mind is a healthy body. Aap positive rahenge, aap khush rahenge, aap apne self image ko ज़रूरी नहीं है ज़ीरो साइज़ होना. मैं ज़ीरो साइज़ की नहीं हूँ. व्हेन आई वाज 20 आई वाज 8 किलोज़ लेस देन व्हाट आई एम टुडे. बट मैं नहीं चाहती उस वेट का होना, इतना ज़्यादा पतला होना. मैं बहुत खुश हूँ जैसी मैं हूँ. मैं आई ट्राई थोड़ा हेल्दी खाने का, बट आई डोंट जब मन होता है पानी पूरी खाने का तो मैं रिजिस्ट नहीं करती हूँ. एंड आई ट्राई टू गो टू द जिम 3 बार हफ्ते में. कोशिश करती हूँ कि कम से कम 3 बार हफ्ते में थोड़ा एक्सरसाइज रहे, तो वो बॉडी और माइंड को और भी एक्टिव रखता है. बट अदरवाइज आई बिलीव हेल्दी माइंड, हैप्पी माइंड इज ऑलवेज अ हैप्पियर हेल्दियर बॉडी. आजकल स्ट्रेस और स्ट्रेन और मतलब नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है हर फील्ड में. मैं स्ट्रेस नहीं लेती किसी भी चीज़ का, खुश रहती हूँ. Yes, there are a couple of very exciting projects. There's a movie and but I want them to announce it. Main chahti hu ki un logon ki taraf se announcement pehle aaye. But yes, there are a couple of very very exciting things coming this coming year. 2020 will be a very very exciting year. Thank you so much. Lovely to have you here. Thank you so much. Hi, my name is Shambhavi and I've got the award for color and vastu expert for the year. और ये मैं पिछले 2 दशक से कर रही हूँ. एंड बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये सेकेंड टाइम है जो एस्पायरिंग शी ने बुलाया है और अवार्ड से सराहा है, तो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. थैंक यू. सो इंडिया में टैलेंट की कमी तो है नहीं, और देखा जाए तो अभी लड़कियां जिस तरीके से आगे आ रही हैं एंड ऑल द फील्ड्स, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल. सो एक पुरस्कार या एक पहचान पत्र कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ये और हौसला देती है औरतों को कि वो और आगे बढ़े, वो और अच्छा काम करे, जो वो कर रही है वो और अच्छे से करे. सो दिस लिटिल पैट ऑन द बैक इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड कि तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू रिकग्नाइज द टैलेंट, ऑल द टैलेंटेड वीमेन इन इंडिया, एंड फेलिसिटेट देम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव. Which category you are getting?
जी मुझे तो पता नहीं अवार्ड मिलने से क्या पहले से पता देते बता देते हैं और तभी आप आते हैं नहीं आई हैव जस्ट कम हियर टू अटेंड द इवेंट एंड लेट मी सी इफ वॉट एवर हैपन्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू आई थिंक मैं अभी 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 मतलब 10 मिनट पहले मैं मिली सोनाली बेंद्रे जी को और मैं उनको मिल के मैं बोल के आई कि यू आर अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू मी नॉट ओनली टू मी बट मैनी पीपल मैनी वीमेन एंड मैन आउट देयर बिकॉज everything in your life whatever you do is an inspiration I mean agar jo bhi aap kar rahe hain man se kare wo aapki survival story hi kyun na ho wo bhi agar aap dat ke kare matlab aapne bimari ka samna aise dat ke kiya ki aap 10 logo ko inspire kar sake ki koi bhi cheez aapko hara nahi sakti I mean even if it is a matter of life and death and I think yeah she has been a great inspiration to me Women empowerment is giving them the position to come ahead and pursue whatever they want to. And I think एक आदमी के पास हमेशा choice होता है कि तुम ये बनना चाहते हो ठीक है तुम वो बन जाओ लेकिन एक लड़की के लिए हमेशा मतलब उनके घर गृहस्थी माँ बाप का चॉइस सब कुछ के परे आता है उसकी खुद का चॉइस सो आई बिलीव वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल अबाउट गिविंग द लिबर्टी टू द वुमेन टू चूज व्हाट शी वांट्स टू डू एंड आई थिंक देन यू कैन नॉट स्टॉप ऑल द वुमेन वुड बी अनस्टॉपेबल फॉलो कर रही थी 4-3 एपिसोड देखने के बाद नवरात्रि के लिए इधर उधर चली गई तो फिर फॉलो करना बंद हो गया अभी आज मैं बैठ के फिर से लास्ट 4-5 एपिसोड कैचअप करूँगी वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक ऑल द कंटेस्टेंट्स आर सेलिब्रिटीज एंड यू नो देम एंड सो इट इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट देम रादर देन गेटिंग टू नो पीपल हु आर न्यू एब्सोल्युटली थैंक यू सेंटर कैमरा या आप फिर से पूछेंगे या शुड आई जस्ट स्टार्ट द मैम एस्पायरिंग शी वुमन्स को फेलिसिटेट करता है क्या कहना चाहेंगे एज अ वुमन कितना प्राउड फील होता है जब वुमन्स को इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया जाता है आई थिंक इट्स वंडरफुल कि औरतें ही औरतों को बढ़ावा दे रही हैं हर जगह बोला जाता है कि औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट फाइनली वी हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर वुमेन आर एनकरेजिंग ईच अदर एंड औरतों ने हमेशा हर फील्ड में अपने आप को प्रूव किया है सो इट्स ग्रेट दैट वी हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस एज अ वुमन कौन इंस्पायर करता है आई डोंट रियली सी ह्यूमन बीइंग्स इन जेंडर स्पेसिफिक रोल्स आई सी पीपल इंस्पायरिंग ईच अदर ऑन एवरीडे बेसिस फॉर मी आई हैव इंस्पिरेशन इन सो मेनी वुमेन आई थिंक इवन इन माई मेड मेरी मीना ताई जो मेरे घर पर आके काम करती है वो इतना कुछ करती हैं अपनी फैमिली के लिए एंड आई डोंट थिंक आई डू 1/10 ऑफ व्हाट शी डज फॉर द फैमिली सो आई थिंक वी कैन फाइंड इंस्पिरेशन इन ऑल द वुमेन इन आवर लाइव्स ओके बिसाइड्स दैट वी आर टॉकिंग आल्सो टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट
Women empowerment, I think for me, with time has changed into self-confidence. I think it's time that we stop looking for strength and confidence from outside of ourselves. Apne andar jhaank lo, wo confidence, wo taakat aapko khud mil jayegi. So I think it's all about self-confidence now. Well, thank you so much, Aspiring Shield, for having me here, and I'm looking forward to the evening. Thank you. Thank you. Thank you, Ruduji. Thank you, Devina. Rituji, Rituji. Thank you, Amrita. Devina, Devina. Thank you. Chaudhry Balaji, etc. At the same time, she also bagged an award for the Best Actress in the Digital Award 2017 for her web series Love Bites on Sony Live. Most talented and vibrant speaker of the
did you? Well, you know what I was forgetting? Ma'am, take one, take one. Thank you, ma'am. डोर को बंद करना मैम When I got the award for the most fascinating face of the year, and for me, I think it's actually a very happy day for me because all the news I've got today already have been fantastic. And to be a fascinating face is actually, as a woman, it boosts your confidence, it makes you happy, it makes you feel like all your hard work, all your sweat, all your tears, and all your joy, all your failure and success has actually come to something that people believe. That a face like mine is entertaining and fascinating enough to be looked at. And I am in an industry which is about entertaining and which is about being called beautiful, like every expected woman to be beautiful. But I think more than that, I think my personality has come out more than the beauty of my face. So this award is actually to all the people who've actually worked hard on me, pushed my boundaries. And said that you can't do this, but I have probably broken those barriers and said I don't care, I'm still going to do it. And aspiring she, I'm just not for women who are actually aspiring, inspiring, and are actually breaking barriers and boundaries to be where they are. Nahi, aaj sirf main hi nahi, jitne bhi aaj hamare guests aaye hain, jitne award jeete hain, I think they all are remarkable in their own field. And as an actor, I think it's actually making me very happy and very, very joyous. And I thank every being here today, make me feel like I'm the fascinating face of the year. So thank you, thank you. Any of your upcoming projects? Yes, yes, yes. I'm doing a film with Wave Cinemas, with Raj Chaddha Ji. We have 5 girls in the film. There's Isha Gupta, there's me, there's Kaina, there's Sanjay Dutt's niece, Nazia. So, and there's another actor which I'm not going to reveal because it's actually a very sick character in the film. So basically, it's a funny, thriller comedy. हम सब लंदन जा रहे हैं शूट कर रहे हैं इसी महीने के एंड में and I am playing the bride in the film जिसके सारे bachelor party पे जाते हैं it's a bachelorette in London जहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाती है so we're all are excited to go to London ठंड में हम शूट करने वाले हैं but I'm super excited to go for this film my next song with Jesse Gill is out in another week or two so I'm super excited for that Thank you so much, guys, and thank you so much for coming. Aspiring she women's ke liye jis tarah ka platform de raha hai as a woman kitna proud feel karti hai aap I think so it's a blessing to be a woman it's a blessing to first of all to be a woman because I think so women are so empowered with so many things and they are the homemaker they are the ones who's actually they have the ability and they are gifted to actually give birth to a child and to make this entire world universe you know to take the generations ahead so it is a blessing to be a woman and I think so in all respects in every aspect women should be respected for whatever they do either they are homemakers or they are working so they should be given their due respect and should be accepted the way they are right so as a woman kisi ne aapko inspire kiya aapki life mein my mom is a homemaker but I think so it's a full time job people say that she's sitting at home she's not doing anything but I think so it's a full time job she's raised 3 children I'm the second one I have an elder sister and a younger brother and the way she's brought us up the way she's taken care of all 3 of us I think so she has lived her life and her journey and her dreams through us so yes my biggest inspiration is my mom so any upcoming project after this I have a film releasing on the 18th of October. It's by the name of #Yaram. So guys, please go and watch it. So yeah, it's me and there's Prateek Babbar and Siddharth Kapoor starring in it. The trailers are out. 2 songs have released. So I think so you guys will like it and please go and watch it. Thank you, ma'am. Thank you so much. And all the best.